हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मील किचन। आज मैं लेके आई हूँ व्हाइट चना की रेसिपी। कुछ लोग इसको काबुली चना भी बोलते हैं। सो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, हमारा चना बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस बनके रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पे हमने अपने चने को रात भर भिगो के रख दिया था। जैसे आप देख रहे हैं, चना हमारा फूल चुका है अच्छे से। अब हम इसको बॉयल करेंगे। अब हम अपने चने को कुकर में डाल के इसमें पास से विसल लगा लेंगे। हम अपने कुकर को फुल फ्लेम पे चढ़ा दिया और जैसे मैंने बताया था कि इसमें पास से छह विसल आ जाने के बाद हमारा जो व्हाइट चना है वो अच्छे से उबल चुका होगा। इंग्रेडिएंट्स को देख लेती हूँ और अपनी सब्जियों को देख लेती हूँ जो हम इसमें मिक्स करेंगे। सब्जियाँ भी ले रखी हैं, वो भी हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे देखिए, हमने शिमला मिर्च ले रखी है, ऑनियन ले रखी है और टोमेटो भी ले रखा है। ओके, और यहाँ पे जो है एक से दो हरी मिर्च भी ले रखी है। हम देखते हैं मसाले में क्या क्या यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले रखा है, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून ले रखा है, यहाँ पे 2 मैंगो की कलियाँ ले रखा है, आप 2 की जगह 4 भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ले रखा है और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ले रखा है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ले रखा है। 5 से 6 सीटी आ जाने के बाद हमारा चना अच्छे से पक चुका है। जब तक हमारी कढ़ाई हीट हो रही है तब तक हम अपने चने को कुकर से निकाल करके एक बाउल में रख लेंगे। अब हमारी कढ़ाई हीट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 1 बिग स्पून ऑयल। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मैंने अपनी ऑनियन को इसमें डाल करके ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हमारी ऑनियन ब्राउन कलर हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। और हाँ फ्रेंड, जब आप शिमला मिर्च डालेंगे तो अपनी फ्लेम को स्लो कर लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ छींटे जो हैं छिटक के आपके ऊपर ना जाए। यहाँ पे एक टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च कटी हुई डालूंगी। उसके बाद हम अपनी सब्जी को आपस में मिक्स कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह आप मिक्स कर लीजिएगा। और फ्लेम आपकी स्लो ही होनी चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। सब्जी को चलाने के बाद ढक करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, हमारी सब्जी पक चुकी है। हम इसमें डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पहले ही बता रखे थे। इंग्रेडिएंट्स को जब आप डाल देंगे तो उसमें 1 बिग स्पून पानी भी डाल दीजिएगा ताकि आपका मसाला और सब्जी अच्छे से पक जाए। जैसे आप देख रहे हो, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए चने। चने डालने के बाद आप चने को एक बहुत ही अच्छा सा गुड मिक्स देंगे। अब गुड मिक्स देने के बाद आप इसमें 1 बिग स्पून पानी डाल देंगे। ओके, और पानी डालने के बाद आप इसको स्लो ही फ्लेम पे ढक करके 1 से 2 मिनट तक फिर से पका लेंगे ताकि हमारा चना अच्छी तरह पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद आप जैसे देख रहे हैं, मेरा चना और सब्जी सब कुछ बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद आप अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट तक आप ढक के पका लेंगे ताकि आपकी धनिया गल जाए, ताकि आपके खाने में ये ना लगे कि आपकी धनिया पूरी गली नहीं, ऐसे ही है। तो आप जैसे देख रहे हैं, धनिया पूरी तरह से गल चुकी है और आप इसको मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा चना बनकर के तैयार है। अगर आपको ये चने की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा।